सो जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, विंडोज 11 और 10 में आए दिन आप कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे जरूर करते होंगे, लाइक बहुत सारी सेटिंग्स को आप डिसेबल करते होंगे, इनेबल करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिनको आपको कभी डिसेबल नहीं करना है, और अगर आपने डिसेबल किया तो आपके डिवाइस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। और आज मैं आपको ऐसे ही 9 सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो हमेशा आपको अपने डिवाइस में इनेबल करना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो सारी 9 सेटिंग यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहली सेटिंग गाइस जो है वो है ब्राउजर की सेटिंग। अब कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हो, गूगल क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज है या फायरफॉक्स है, हर एक ब्राउजर में आपको लॉग इन करने का ऑप्शन मिलता है। और लॉग इन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है ये बाईपास कर देते हैं, एज अ गेस्ट यूजर यूज करते हैं या तो उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपको अपने ब्राउजर में सिंक्रोनाइजेशन को हमेशा इनेबल करके रखना है, और इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में अपने यूजर अकाउंट से लॉग इन करना है। अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी जीमेल आईडी जिसका आप यूज करते हैं, जिसको आप अपने फोन में यूज करते हैं, उसी ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करना है अपने गूगल क्रोम में या अदर कोई ब्राउजर जिसको भी आप यूज करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप मल्टीपल डिवाइस यूज करते हैं, आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, आपका जो वर्क कंप्यूटर अलग है, घर का अलग है, आपके मोबाइल फोन है, टैबलेट है, अगर इन सारे डिवाइस में आप एक ही ब्राउजर का यूज करते हैं और सब में अगर आप एक ही ईमेल से लॉग इन करके रखते हैं और सिंक को ऑन रखते हैं, तो इससे फायदा क्या मिलेगा आपको, जो भी आप अपने ब्राउजर में सेव करेंगे, लाइक कोई बुकमार्क है, आपकी हिस्ट्री है, या किसी भी तरह का जो पासवर्ड सेव करते हो, आप कोई भी अदर ऑप्शन करते हो, आप सेम ऑप्शन को एक्सेस कर पाओगे अपने अदर डिवाइस से भी। अब जनरली क्या होता है गाइस कि जैसे मान लीजिए आपने अपने पीसी में काम किया, आप बहुत तरह के चेंजेस आपने करे, अब उसके बाद आप अपने घर चले जाते हो या अपने बेड पे चले जाते हो, अपने मोबाइल पे एक्सेस करते हो, अब ऐसा कोई काम आ गया, ऐसी कोई डिटेल हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको दोबारा से देखना है ब्राउजर में, तो अगर आपने उसी आईडी से अपने मोबाइल में भी लॉग इन कर रखा है और सिंक को ऑन रखा है, तो वही इन्फॉर्मेशन आप वहां से भी सेव कर सकते हो, देख सकते हो, और जो चेंजेस करना चाहो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है इस सेटिंग को आपको जरूर से इनेबल करना है। और इसको इनेबल करना बड़ा आसान होता है, आप अपने ब्राउजर को ओपन करिए और लॉगिन वाला जो ऑप्शन मिलता है, अलग अलग नेविगेशन हो सकता है अलग अलग ब्राउजर में, आप इस पर क्लिक करो, लॉगिन करो, और यहीं पे आपको कहीं ना कहीं सिंक वाला ऑप्शन मिलता है, इसको आपको इनेबल कर देना है। अब सिंक आपको अपने सारे डिवाइस में भी इनेबल करना है, सिर्फ एक डिवाइस में नहीं, जहां से भी आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट गाइस, इसके बाद आपको ये भी अश्योर करना है कि यूजर अकाउंट कंट्रोल आपका एक्टिवेटेड है और इनेबल्ड है आपके विंडोज 11 और विंडोज 10 में। नाउ मैं आपको पहले दिखाता हूं, जब आप अपने विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे यूजर अकाउंट कंट्रोल और क्लिक करेंगे चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स पे, तो देखिए इस तरह का एक पेज आता है और ये बताता है कि आपका जो नोटिफिकेशन एरिया है वो कहाँ पे सिलेक्टेड है। और मेरे एंड पे आप देख लो, अभी ये फिलहाल सिलेक्टेड है नेवर नोटिफाई पे, और जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली डिसेबल है। तो अब इसके नुकसान क्या है, अब मान लीजिए कि जब मैंने इसको नेवर नोटिफाई पे सिलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी एप्लीकेशन मेरे डिवाइस में इंस्टॉल होती है तो मुझे कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो जनरली एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब कंप्यूटर ओनर को देखने को मिलता है। अब ये इनेबल करना क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए कि आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज होता है या कोई आपका चुपके से रिमोटली एक्सेस कर रहा है आपके डिवाइस को, अगर वो किसी तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा तो आपके डिवाइस पे परमिशन मांगी जाती है, और ये काइंड ऑफ चेक पॉइंट होता है जिसको आप यहाँ पे अलाउ करो या डिसअलाउ करो। तो जब ये नेवर नोटिफाई पे सिलेक्टेड होगा तो अब इसके ड्रॉबैक क्या है, अब इमेजिन करिए कि मान लीजिए आपके डिवाइस पे कोई एक्सेस ले लेता है, हैक कर लेता है, या रिमोटली या कंट्रोल करके रखा है आपके डिवाइस को, और अगर वो कोई एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता है किसी मैलिशियस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉम्प्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब प्रॉम्प्ट वो कैसा होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी आप ये देख लो, ये कह रहा है डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो ये एक प्रॉम्प्ट होता है जो कि एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है, और जब भी कोई एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल करेगा तो यहाँ पे सिर्फ आप ही इसको येस और नो कर सकते हैं। अगर कोई रिमोटली आपके इस डिवाइस को एक्सेस कर रहा है तो शायद उसके पास यहाँ पे वो परमिशन ना हो, और इसके अलावा भी आपको पता चलता रहता है कि आपके डिवाइस में हो क्या रहा है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत जरूरी है कि इस ऑप्शन को हमेशा यहाँ पे आपको एटलीस्ट नोटिफाई मी ओनली व्हेन ऐप टू मेक चेंजेस टू माय कंप्यूटर डिफॉल्ट।
और अगर आप इसको टॉप पे कर दोगे तो हर जगह आपको ये नोटिफिकेशन देगा, चाहे आप कोई सेटिंग्स में चेंजेस करो, चाहे कोई एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करो। तो यार ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आएगा, प्रॉम्प्ट आएगा, लेकिन आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाला है। तो या तो आप इसको बिल्कुल टॉप पे कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है ज़्यादा ही कुछ प्रॉम्प्ट आ रहे हैं तो आप इसको थर्ड ऑप्शन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इतना करने के बाद इसे आप ओके पे क्लिक करिए, यस पे क्लिक करिए, और अब आपका डिवाइस यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा से सिक्योर हो जाएगा, और जो अनवांटेड एप्लीकेशन या चेंजेस होंगे आपके डिवाइस में, आपको यहाँ पे उसका प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट गाइस, इसके बाद है रीस्टोर पॉइंट, जिसको मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में कवर करता हूँ जब भी कोई टिप्स और ट्रिक्स की बात आती है। अब रीस्टोर पॉइंट क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मान लीजिए कि कल को आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है, आपने कोई ऑप्टिमाइजेशन किया, आपने कोई चेंजेस किया, या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है रैंडमली, तो अगर आपने रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है तो आपके पास एक तरीका होता है अपने डिवाइस को पुराने स्टेज में ले जाने का। मतलब मान लीजिए कि आपने आज रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, कल को आपने कोई चेंजेस किया या रैंडमली कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अपने डिवाइस को आप वापस से आज के स्टेज में ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, और हमेशा इसको इनेबल करके रखिए, एक रीस्टोर पॉइंट हमेशा क्रिएट करिए। अपने विंडोज सर्च पे बस आपको क्लिक करना है और टाइप करना है रीस्टोर, सजेशन जी चूज करिए क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट, और अगर सबसे पहली बार आप एक्सेस कर रहे होंगे तो क्रिएट वाला ऑप्शन हो सकता है हाईलाइटेड ना हो, तो कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करो, सिस्टम प्रोटेक्शन को ऑन करो, अप्लाई, ओके, और फिर यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए और जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे दो। मैं फिलहाल दे रहा हूँ टेस्ट, आपको वो नाम देना है जो आपको याद रहे कि आपने रीस्टोर पॉइंट कब और किस लिए बनाया था। अब इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करो और कुछ ही देर में ये आपको रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करके यहाँ पे दे देगा। अब इसके बाद मान लीजिए आज की डेट में आपने बना लिया, इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको इसी पेज पे आना है, सिस्टम रीस्टोर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये देखिए रीस्टोर पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, और जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक कराओगे अब ये आपके सिस्टम को रिस्टोर कर देगा पुराने वाले स्टेज में। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप सोच रहे होगे कि आपका डिवाइस आपके पास एक्सेस नहीं है या लॉगिन नहीं हो रहा है और डेस्कटॉप देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको आप अपने लॉगिन स्क्रीन से, इवन अगर आप किसी ब्लू स्क्रीन पे भी हो तब भी आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट गाइस, इसके बाद की जो सेटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो स्पेशली उन लोग के लिए जो रैंडमली बहुत सारी एप्लीकेशन को आए दिन ओपन करते हैं या बहुत तरह के अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं अपनी ईमेल से। अब इस सेटिंग का नाम है यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन, और अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखोगे जितनी भी एप्लीकेशन को या फाइल को आपने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे बस उसका नाम और थंबनेल शो कर रहा है। अब आप कभी नोटिस करो, जैसे मेरे एंड पे ये TCP ऑप्टिमाइज़र है और इसका यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा है, लेकिन बड़ा आसान है कि मैं इसके नाम को यहाँ पे चेंज कर दूँ और इसके थंबनेल को भी यहाँ पे चेंज कर दूँ। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको कोई डॉक्यूमेंट का नाम दे सकता हूँ और इसके आइकन को, इसके थंबनेल को मैं चेंज कर सकता हूँ एक PDF आइकन के ज़रिए से, और इसके बाद मैं इसको किसी को सेंड कर सकता हूँ ईमेल पे और उसको बोलूँगा कि इस PDF को आप चेक कर लो। अब जब वो PDF को देखेगा, वो डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद जब फाइल उसके सामने आएगी तो उसको वो डॉक्यूमेंट के रूप में दिखेगी, मतलब PDF का लोगो के साथ दिखेगी, तो उसको भी लगेगा यार ये PDF फाइल है, चलो उस पर डबल क्लिक करते हैं और उसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही वहाँ पर वो डबल क्लिक करेगा, वो एप्लीकेशन जो कि मैलिशियस हो सकती है वो आपके डिवाइस में यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा फाइल नेम एक्सटेंशन को इनेबल करना है जो आपको दिखाएगा कि ये कौन सी फाइल है, ये एक सी फाइल है, ये PDF फाइल है, इमेज फाइल है, कौन सी फाइल है ये। तो जैसे मेरे एंड पे अभी ये शो नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, टॉप में आपको व्यू वाला ऑप्शन मिलता है, फिर शो पे जाना है और यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन मिलेगा, इसको बस आपको चेक करना है। और अब जैसे ही आप चेक करोगे, अब आप देखोगे जितनी भी एप्लीकेशन फाइल है उसका एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब एटलीस्ट अगर किसी ने इसका थंबनेल भी चेंज कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि नहीं ये PDF फाइल नहीं है, ये .exe फाइल है, अब मुझे इस पर क्लिक नहीं करना है। अब मैं इस पर तभी क्लिक करूँगा जब मुझे कोई .exe फाइल को वाकई में रन करना होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी अटैचमेंट को डाउनलोड करें, किसी फाइल को डाउनलोड करें इंटरनेट से, आप पहले उसका एक्सटेंशन देख लो कि जो आपने डाउनलोड किया है क्या ये वही फाइल है कि उसके तरह दिखने वाली कोई अदर फाइल है, राइट।
तो बहुत जरूरी सेटिंग है गाइस, इसको भी आप इनेबल करो नेक्स्ट टाइम से जब भी कुछ ऐसा काम करना, तो एक बार एक्सटेंशन को यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट गाइस, इसके बाद एक चीज मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है खास करके अपने दोस्तों के साथ, कि वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने विंडोज 10 और 11 पीसी लैपटॉप में पासवर्ड या पिन ऑप्शन को ही डिसेबल कर देते हैं, ताकि जैसे ही वो अपने सिस्टम को यहाँ पे ऑन करें उन्हें सीधा डेस्कटॉप देखने को मिले। तो ये जल्दबाजी के लिए, कन्वीनियंस के लिए वो लोग कर लेते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आपको यहाँ पे पासवर्ड को, पिन को डिसेबल कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखिए, ये काइंड ऑफ आपके एक तरह की लेयर है आपकी सिक्योरिटी के लिए। कई बार ऐसा होता है, आपका लैपटॉप है, आपका पीसी है, और वो कहीं गलती से चोरी हो जाता है या आप उसको भूल जाते हो, और आपको डर लगता है यार कि ऐसा तो नहीं है कि अब कोई बंदा मेरे ऑफिस में या जिसने चोरी किया है या जहाँ पे गिरा है, अब वो उसको एक्सेस करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टील कर ले। तो अगर आपने किसी तरह का पासवर्ड या पिन लगा रखा है, तो कम से कम इतना तो सेफ्टी आपको फील हो सकता है कि यार वो बंदा बिना पासवर्ड क्रैक किए मेरे डिवाइस को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल एक सिक्योरिटी है, इवन अगर आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज भी होता है तो उनके पास एक पासवर्ड की स्क्रीन आती है, जो कि हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो बेटर है, हमेशा रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी में एक पासवर्ड को या पिन को जरूर लगा के रखिए। और अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। राइट क्लिक करिए विंडोज आइकन पे, सेटिंग्स में जाइए, लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में अकाउंट्स पे क्लिक करिए। नीचे आने पे आपको मिलेगा साइन इन ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करो और देखिए ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको जो आप अपने लॉग इन डिवाइस में यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट पासवर्ड के साथ जरूर जाइए, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन मिलेगा, जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हो वो डालिए, इसको रिपीट कराइए और एक पासवर्ड हिंट भी दे दीजिए, जिससे सिर्फ आप पहचान पाएं कि आपने किस तरह का पासवर्ड यहाँ पे डाला था। ये आपको तब हेल्प करेगा जब आप फ्यूचर में कभी पासवर्ड को यहाँ पे भूल जाते हैं। तो बस इस ऑप्शन को अभी कभी आप यहाँ पे इनेबल करके रखो, और कभी भी आपको पासवर्ड और पिन को डिसेबल नहीं करना है। एंड नेक्स्ट गाइस, इसके बाद आपको ये भी अश्योर करना है कि आप अपनी सिक्योरिटी को कभी भी यहाँ पे डिसेबल ना करिए। टेम्परेली आप डिसेबल करते हैं कोई रीजन की वजह से तो वो चलेगा, लेकिन उसके बाद इनेबल करना कभी मत भूलिएगा। और इसके लिए आप अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करिए, टाइप करिए वायरस, सजेशन में चूज करिए वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग। वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग में आपको क्लिक करना है मैनेज सेटिंग में, और यहाँ पे रियल टाइम डेप ड्राइव प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन और टैम्पर प्रोटेक्शन, सबको यहाँ पे आपको इनेबल करना है। एंड इसी के बाद गाइस, जो नेक्स्ट सेटिंग आपको इनेबल करनी है वो है रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। अब विंडोज 11 में लोगों को लगता है कि बस इतनी सिक्योरिटी है जिनको यहाँ पे इनेबल करनी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो कंट्रोल फोल्डर एक्सेस नाम की भी एक सिक्योरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहले आपको यहाँ क्लिक करना है मैनेज कंट्रोल फोल्डर एक्सेस पे, और ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल हो रखी है। और ये रैंसमवेयर डेटा रिकवरी, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है, बहुत ज़रूरी है, इसको आपको इनेबल करके रखना है अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे इनेबल करिए, यस पे क्लिक करिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में आपको फायरवॉल को भी इनेबल करके रखना है, और इसी पेज में लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो आपका डोमेन नेटवर्क है, प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क है, इन सब की यहाँ पे सिक्योरिटी फायरवॉल को आपको इनेबल करना है। क्लियर? तो इतना करने के बाद अब इसे आप यहां से क्लोज कर सकते हैं। एंड नाउ गाइस, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको हमेशा विंडोज अपडेट को इनेबल करके रखना है। इसके लिए दोबारा से अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, टाइप करिए अपडेट, चेक फॉर अपडेट पे आप क्लिक करो, और यहां पे एक ऑप्शन मिलता है गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज दे आर अवेलेबल, इसको हमेशा आपको इनेबल करना है। इस सेटिंग को डिसेबल मत करिए, ताकि जब भी कोई नया अपडेट होता है तो वो आपको इमीडिएटली यहाँ पे शो करने लगे। अगर आपने अभी तक इनेबल नहीं किया था, इसको इनेबल करिए और चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करिए, और अगर किसी भी तरह का अपडेट अवेलेबल है तो अभी के अभी आप यहाँ पे उसको अपडेट करें, ताकि अगर कोई सिक्योरिटी बग था, कोई प्रॉब्लम थी, वो आपके यहाँ पे ठीक हो सके। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये सारी सेटिंग्स आप अभी के अभी इनेबल करेंगे, और अब ये आपको आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प भी करेगी। एंड होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।